हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लील जोन्स पर। और हम वापस आ गए हैं बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट के जो बिग बिलियन डे सेल आने वाली है उसके मोबाइल ऑफर्स के बारे पे। जैसे कि फ्रेंड, आप सभी को पता ही होगा कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल 29 सितंबर से स्टार्ट हो रही है और ये चलेगी 4 अक्टूबर तक। लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन परचेस करना चाहते हैं तो ये सेल आपके लिए स्टार्ट हो रही है एक दिन देरी से स्टार्ट हो रही है। तो मोबाइल फ़ोन की शॉपिंग आप 30 सितंबर से कर पाएंगे। बाकी फ्रेंड, हम आपको बता दें कि अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड है या ऐसे ऐसे बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उस पर आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन न्यू फ़ोन खरीदने वाले हैं और आपके पास इन दोनों बैंक में से कोई भी कार्ड है तो हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट कीजिए एक्सिस बैंक के कार्ड से या ऐसे क्रेडिट कार्ड से। बाकी इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा या मिनिमम परचेज वैल्यू कितनी होगी ये सारी डिटेल हम आपको अपनी अगली वीडियो पे बना के दे देंगे। सो फ्रेंड, बाकी आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें। इस बार बिग बिलियन डे सेल पे 2 न्यू फोन लॉन्च होने वाले हैं। रेडमी 8A के प्राइस आपको पड़ेंगे 6,499, और जो दूसरा फोन है वो है लिनोवो K10 प्लस। इसकी सेल भी 30 सितंबर से स्टार्ट होगी और ये पड़ेगा आपको 10,999 का। सो फ्रेंड, दोनों ही बहुत अच्छे फोन हैं, आप इनको बाय कर सकते हैं 30 सितंबर से बिग बिलियन डे की सेल पे। बाकी अगर आपके पास एक्सिस बैंक या ऐसे ऐसे कार्ड है तो आप इन पे भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। बाकी फ्रेंड, आईफोन के अभी प्राइस आए नहीं है, मीन्स कितना डिस्काउंट देना, लेकिन आप आईफोन के सारे वर्जन पे अच्छा डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाकी आप एक्सिस और ऐसे ऐसे के कार्ड से अगर पेमेंट करेंगे तो आपको 4-5 थाउजेंड का एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो इजीली मिल जाएगा आईफोन पे। बाकी फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे अपने पेज पे जो भी प्राइस दिए हुए हैं वो सारे एमआरपी है, मीन्स इन्होंने एमआरपी पे डिस्काउंट बताए हुए हैं फ्लिपकार्ट पे। लेकिन हम एमआरपी पर ना जाते हुए एक्चुअल प्राइस पे जाएंगे और हम एक्चुअल प्राइस से कंपेयर करेंगे कि रियली कितना डिस्काउंट है और किस फ़ोन पे कितना डिस्काउंट है या कौन से फ़ोन पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है। सो फ्रेंड, अगर हम रियलमी C2 की बात करें तो ये आपको सेल के टाइम पे 2 GB वेरियंट इसका 6,000 का पड़ रहा है और 3 GB वेरियंट अराउंड 7,000 का पड़ रहा है। तो फ्रेंड, पहले इसके करंट प्राइस देख लेते हैं। रियलमी 2 का जो 2 GB वेरियंट है इसके प्राइस है 6,999, मीन्स अराउंड 7,000। और जो रियलमी C2 का 3 GB रैम वाला वेरियंट है इसके करंट प्राइस है 7,999। सो फ्रेंड, रियलमी C2 के दोनों ही वेरियंट पे आपको मिल रहा है टोटल 1,000 का डिस्काउंट। बाकी आगे बढ़ते हैं, हम रेडमी नोट 7 प्रो की बात करते हैं। ये रेडमी नोट 7 प्रो 2019 का बेस्ट सेलिंग फ़ोन है, बहुत बढ़िया फ़ोन है। तो इसके अगर हम पहले करंट प्राइस देख लेते हैं, सो फ्रेंड ये है रेडमी नोट 7 प्रो के करंट प्राइस। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं, एक 4 GB रैम के साथ आता है और 64 GB स्टोरेज के साथ, एक आता है 6 GB रैम एंड 64 GB स्टोरेज, एंड जो थर्ड वेरिएंट है इसका वो आता है 6 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज के साथ। सो फ्रेंड, जो 4 GB रैम के साथ फ़ोन आता है इस पे आपको मिल रहा है 3,000 का डिस्काउंट, और जो 6 GB रैम के साथ आता है इस पे आपको मिल रहा है 1,000 का डिस्काउंट। और फ्रेंड, जो 6 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज के साथ आता है इस पे मिल रहा है आपको टोटल 2,000 रुपीज़ का डिस्काउंट। बाकी फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वीवो Z1 प्रो पे कितना डिस्काउंट है। तो पहले हम इसके करंट प्राइस देख लेते हैं। और वीवो Z1 के करंट प्राइस है 14,990 और सेल के टाइम पे आपको मिलेगा 12,990। सो फ्रेंड, वीवो Z1 प्रो पे आपको मिल रहा है टोटल 2,000 का डिस्काउंट। बाकी अगर हम रेडमी नोट 7S की बात करें तो पहले इसके अगर करंट प्राइस देंगे तो इसका 3 GB रैम वेरियंट है अभी अराउंड 10,000 का और 4 GB रैम वेरियंट है अराउंड 12,000 का। सो फ्रेंड, इस हिसाब से आपको 3 GB रैम पे 1,000 का डिस्काउंट मिल रहा है और रेडमी नोट 7 के 4 GB वेरियंट पे आपको मिल रहा है
2000 का डिस्काउंट। सो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं रेडमी, अगर हम रियलमी 5 की बात करें तो ये आपको 8999 का पड़ जाएगा सेल के टाइम पे, और इसके करंट प्राइस है 9999। सो फ्रेंड रियलमी 5 पे आपको 1000 का डिस्काउंट मिल रहा है और ये 30 सितंबर को सेल पे आएगा, ये अभी अवेलेबल नहीं है बाई करने के लिए। और रेडमी K20 पे भी अच्छी डील आने वाली है, रेडमी K20 के करंट प्राइस है 21999 और सेल के टाइम पे आपको पड़ेगा 19999। सो फ्रेंड रेडमी K20 पे भी आपको 2000 का डिस्काउंट मिल रहा है। बाकी अगर हम रेडमी 7A की बात करें तो ये आपको सेल के टाइम पे 5000 का पड़ेगा और अभी इसके प्राइस अराउंड 6000। तो फ्रेंड ये आपको 1000 का डिस्काउंट रेडमी 7A पे भी मिल रहा है। बाकी अगर हम रियलमी एच डी की बात करें, रियलमी एच डी की करेंट प्राइस है अराउंड 16000 और सेल के टाइम भी प्राइस सेम है। सो फ्रेंड रियलमी एच डी पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है, लेकिन ये है कि ये उस टाइम पे बाई करने के लिए अवेलेबल होगा ओपन सेल पे। अगर हम रियलमी 5 प्रो की बात करें तो ये आपको एक्चुअली यहाँ पर प्राइस थोड़ा डिफरेंट दिए हुए हैं, लेकिन ये आपको पड़ेगा 12999 का। सो फ्रेंड रियलमी 5 प्रो पे आपको 1000 का डिस्काउंट मिल रहा है और ये 30 सितंबर को सेल में आएगा। पोको F1 पे भी काफ़ी अच्छी डील है, इसके करंट प्राइस हैं अराउंड 18000 और ये सेल के टाइम पे आपको पड़ रहा है अराउंड 15000। सो फ्रेंड पोको F1 पे आपको मिल रहा है टोटल 3000 का डिस्काउंट। और अगर हम Realme 3 Pro की बात करें तो इसके करंट प्राइस हैं अराउंड 13000 और सेल के टाइम पे आपको पड़ा है 11000 का। सो फ्रेंड Realme 3 Pro आपको मिल रहा है पूरा 2000 का डिस्काउंट। और बाकी और Xiaomi का और फोन्स पर हम एक बार देख लेते हैं क्या डील्स हैं। अगर हम Redmi Note 5 Pro की बात करें तो ये आपको सेल के टाइम पे पड़ रहा है अराउंड 11000 का और इसके करंट प्राइस है 12330। सो फ्रेंड रेडमी नोट 5 प्रो पे आपको अराउंड 1300 का डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर हम रेडमी नोट 6 प्रो की बात करें तो ये आपको 12000 का मिल रहा है अराउंड, और अभी इसके करंट प्राइस है 1399। सो फ्रेंड आपको Redmi Note 6 पे मिल रहा है पूरे 2000 का डिस्काउंट। बाकी अगर हम Samsung A50 की बात करें तो Samsung A50 के करंट प्राइस हैं 18490 और सेल के टाइम पे आपको पड़ रहा है ये 16999। सो फ्रेंड Redmi A50 पे भी आपको मिल रहा है टोटल अराउंड 1500 का डिस्काउंट। बाकी अगर हम Honor C की बात करें, ये आपको सेल के टाइम पे पड़ जाएगा 8000 के अराउंड का और इसके करंट प्राइस है 9999। सो फ्रेंड Honor 8C पे आपको 1000 का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर Honor 10 Lite की बात करें तो इसके करंट प्राइस है अराउंड 10000 और सेल के टाइम पे अराउंड 8000 का पड़ रहा है। सो फ्रेंड Honor 8A पे टोटल आपको 2000 का डिस्काउंट मिल रहा है। बाकी फ्रेंड्स सैमसंग के S9 और S9 प्लस पे बहुत अच्छी डील आने वाली है, इस डील को तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पहले हम सैमसंग S9 की करंट प्राइस देख लेते हैं। सैमसंग S9 की करंट प्राइस है अराउंड 58000 और सेल के टाइम पे आपको पड़ रहा है अराउंड 30000 का। सो फ्रेंड सैमसंग S9 पे आप टोटल 28000 तक का डिस्काउंट ले सकते हैं बिग बिलियन डे सेल पे। और अगर हम S9 प्लस की बात करें, इसके भी प्राइस सेम है 57900 और ये भी आपको पड़ रहा है 34999। सो इस पे आप अराउंड 23 का डिस्काउंट मिल रहा है। सो सैमसंग S9 प्लस पे टोटल आपको 23000 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो फ्रेंड ये बहुत बढ़िया डील है S9 और S9 प्लस, अगर आप प्रीमियम फ़ोन लेने जा रहे हैं तो इस डील को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बाकी अगर हम पिक्सल 3 और 3XL की बात करें तो दोनों ही आपको 30000 के पड़ रहे हैं और पिक्सल 3 के करंट प्राइस हैं 38999
और ये सेल के टाइम पे आपको पड़ रहा है 29,999। सो फ्रेंड पिक्सल 3a पे आपको अराउंड 9,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर हम पिक्सल 3a एक्सएल की बात करें तो इसके करंट प्राइस है 39,999 और सेल के टाइम पे पड़ रहा है 29,999। सो फ्रेंड पिक्सल 3XL पे आपको मिल रहा है टोटल 10,000 का डिस्काउंट। और अगर हम आगे बढ़ के देखें तो पिक्सल 3 और पिक्सल 3XL की बात करते हैं, ये दोनों ही फोन आपको 43,000 के मिल जाएंगे। पहले हम इनके एक्चुअल प्राइस देख लेते हैं क्या है। सो फ्रेंड पिक्सल 3 के एक्चुअल प्राइस है 49,000 अराउंड 50,000, और पिक्सल 3 एक्सएल के प्राइस हैं अराउंड 55,000। सो फ्रेंड पिक्सल 3 पे आपको मिलना है अराउंड 7,000 का डिस्काउंट, और पिक्सल 3 एक्सएल पे आपको मिलना है अराउंड 8,000 का डिस्काउंट। सो फ्रेंड ये भी बहुत बढ़िया डील है, इसे भी बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और अगर हम फ्रेंड नोकिया 6.1 प्लस की बात करें, ये आपको अराउंड 9,000 का पड़ जाएगा सेल के टाइम पे, और इसके करंट प्राइस है 16,000 रुपीज। सो फ्रेंड नोकिया 8.1 पे भी बहुत अच्छी डील है, इस पे आपको टोटल 6-7,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसे भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर हम LG क्यू स्टाइलस की बात करें, इस पे भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है, ये आपको सेल के टाइम पे 10,000 का मिल जाएगा, और इसके करंट प्राइस है अराउंड 17,000। सो फ्रेंड LG क्यू स्टाइलस पे आपको 7,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया डील है। बाकी अगर हम LG K9 की बात करें तो LG K9 के करंट प्राइस है अराउंड 6,300, और इस सेल के टाइम पे आपको 4,000 का पड़ रहा है। सो फ्रेंड 2,200 का डिस्काउंट आपको LG K9 में भी मिल रहा है। बाकी हम Asus Pro M1 की बात करें तो Asus Pro M1 के करंट प्राइस है 8,000, और सेल के टाइम पे आपको मिल रहा है अराउंड 7,500। सो फ्रेंड Asus Pro M1 में आपको मिल रहा है टोटल 500 का डिस्काउंट, और Asus Max M2 की बात करें, इसके करंट प्राइस हैं अराउंड 8,000, और सेल के टाइम पे भी आपको मिल रहा है अराउंड 7,000। सो फ्रेंड Asus M2 पे 1,000 का डिस्काउंट मिल रहा है आपको पूरा। बाकी Nokia 5.1 प्लस की बात करें, ये आपको सेल के टाइम पे 7,000 का मिल जाएगा, और इसके करंट प्राइस है अराउंड 11,000। सो फ्रेंड नोकिया 5.1 पे आपको मिल रहा है टोटल 4,000 का डिस्काउंट। बाकी बात करें तो LG V40 ThinQ की, ये आपको सेल के टाइम पे 30,000 का पड़ रहा है, और इसके करंट प्राइस है अराउंड 50,000। सो फ्रेंड 20,000 का डिस्काउंट आपको LG V40 पे मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी डील है। बाकी Asus 6Z पे भी बहुत अच्छी डील आई है, ये आपको पड़ रहा है सेल के टाइम पे 28,000 का, और इसके करंट प्राइस है अराउंड 32,000। सो फ्रेंड Asus का 6Z पे आपको 4,000 का डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी डील है। बाकी अगर आप इन्फिनिक्स हॉट 8 की बात करें, ये 30 सितंबर को सेल पे आएगा, और इसके प्राइस होने वाले हैं 6,999, और इसके करंट प्राइस भी सेम है, तो Asus नो सॉरी इन्फिनिक्स हॉट 8 पे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है आपको। बाकी Lenovo K10 हमने जैसे कि आपको पहले भी बताया था सेल के टाइम पे आएगा, सॉरी Lenovo K10 प्लस सेल के टाइम पे आपको अवेलेबल होगा, और बहुत अच्छे प्राइस पे आया हुआ है ये। बाकी अगर हम Lenovo K9 की बात करें, इसके करंट प्राइस देख लेते हैं, इसके करंट प्राइस है 6,999, और ये आपको सेल के टाइम पे मिलेगा 6,499। सो फ्रेंड Lenovo K9 पे आपको टोटल 500 का डिस्काउंट मिल रहा है। बाकी और हम फोन्स की बात करें तो मोटो एक्स पे भी बहुत अच्छी डील है, मोटो एक्स आपको 5,000 के अराउंड मिल जाएगा,
उसके करंट प्राइस अराउंड 15,000। सो फ्रेंड मोटो एक्स पे आपको अराउंड 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो अगर आप 5,000 के अराउंड पे फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो मोटो एक्स ले सकते हैं, बहुत अच्छी डील होने वाली है। बाकी जैसे कि आप सारे फ़ोन देख सकते हैं स्क्रीन पे, कार्बन P9 प्रो आपको पड़ रहा है 5300 का, और इसके करंट प्राइस है 7500। सो इस पर भी आपको 2500 के अराउंड डिस्काउंट मिल रहा है। बाकी अभी यहाँ पे बहुत से फ़ोन हैं जो कि फ्लिपकार्ट ने मेंशन नहीं किए हैं, वो भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। बाकी लिनोवो के 20 प्रो की बात करें तो इस पर आपको 3000 का डिस्काउंट है। मोटो वन विजन पे आपको 3000 का डिस्काउंट मिल रहा है, नहीं वो 5000 का डिस्काउंट मिल रहा है। और भी बहुत से फ़ोन हैं फ्रेंड जो फ्लिपकार्ट ने भी मेंशन नहीं किए हुए हैं अपनी डेस्कटॉप साइट पे, लेकिन उनमें बहुत अच्छा डिस्काउंट है। अगर हम ओपो रेनो 10X जून की बात करें, इस पर भी आपको 7000 का डिस्काउंट मिल रहा है। और मोटो G7 पे भी आपको अराउंड 5-6000 का डिस्काउंट इजीली मिल रहा है। यहाँ पे भी फ्रेंड हमने करंट प्राइस से सेल के प्राइस कंपेयर करे हुए हैं, जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑनर 8C पे आपको 2000 का डिस्काउंट मिल रहा है, ऑनर 9N पे आपको 1000 का डिस्काउंट मिल रहा है, ऑनर 20 पे आपको 8000 का डिस्काउंट मिल रहा है, ऑनर 20i पे आपको 1000 का डिस्काउंट मिल रहा है, लिनोवो K9 पे आपको 500 का डिस्काउंट मिल रहा है, वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओप्पो F1 11 प्रो पे आपको अराउंड 6000 का डिस्काउंट मिल रहा है, और फिर अगर आप ओप्पो F11 लेते हैं तो इस पर भी आपको 4000 का डिस्काउंट मिल रहा है। वीवो V15 पे आपको अराउंड 4000 का डिस्काउंट मिल रहा है, ओप्पो K1 में आपको अराउंड 3000 या 4000 का डिस्काउंट मिल जाएगा इजीली। अगर हम ओप्पो A3S की बात करें तो इस पर भी आपको 1000 का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप ओप्पो रिनो 10X जूम के साथ जाते हैं तो इस पे आपको 7000 का डिस्काउंट है। बाकी अगर आप HTC का वाइल्ड फायर एक्स लेते हैं तो इस पे भी आपको 2000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप माइक्रो मैक्स का N11 लेते हैं तो फ्रेंड इस पे भी आपको 2000 का डिस्काउंट मिल रहा है। बाकी हम लिस्ट जो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल देंगे, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पूरी अपनी साइट पे पूरी लिस्ट मेंशन की है कि करंट प्राइस क्या है और बिग बिलियन डे सेल पे इस फोन के क्या प्राइस होने वाले हैं। सो फ्रेंड ये थे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के मोबाइल ऑफर्स। बाकी एडिशनल ऑफर्स में है कि अगर आप कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं अपने फ़ोन के लिए तो उस पर आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं अपना फ़ोन, उस पर भी बहुत बढ़िया ऑफर है। एक्चुअली फ्रेंड पहले क्या था ना, अगर हम अपना फ़ोन एक्सचेंज करते थे उसको कुछ टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होती थी, लाइक अगर आपकी फ़ोन की स्क्रीन टूटी है तो वो एक्सचेंज नहीं होता था, या फोन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो एक्सचेंज नहीं होता था। लेकिन अभी फ्लिपकार्ट की जो नई पॉलिसी है एक्सचेंज ऑफर के लिए, आपका फ़ोन कैसी भी कंडीशन में होगा ना तो वो एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया पॉलिसी आई है नई फ्लिपकार्ट की एक्सचेंज ऑफर के लिए। बाकी अगर आप EMI के थ्रू फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप नो कॉस्ट EMI के थ्रू जाइए, जिसमें आपको 0% ब्याज पड़ता है। और ये नो कॉस्ट EMI जो मेजर क्रेडिट कार्ड है, ICICI हो गया, HDFC हो गया, SBI हो गया, एक्सिस हो गया, सिटी बैंक हो गया, इन सारे मेजर कार्ड पे आपको नो कॉस्ट EMI मिल जाएगी। सो फ्रेंड ये थे फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल के टॉप ऑफर्स। हम बहुत ही जल्दी अमेजोन के भी जो गेट इंडियन फेस्टिवल सेल आने वाली है उसके भी ऑफर्स की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। और एक अमेजोन में भी इस बार बहुत अच्छे ऑफर हैं गेट इंडियन फेस्टिवल सेल पे, तो आप दोनों साइट पे जाके ऑफ वो फ़ोन कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको लोवेस्ट प्राइस लगे आप वहीं से बाई करिएगा। बाकी हम पूरी सेल को कवर करने वाले हैं, नई वीडियो बहुत जल्दी आएगी। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम जल्दी वापस आएंगे एक नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ।